आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप YouTube पर फाइनेंस क्रिएटर किस तरीके से बनेंगे। दोस्तों, अगर आप अपना करियर YouTube पर एज ए क्रिएटर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, हम YouTube पर आने की सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट रहता है कि हम YouTube पर किस कैटेगरी के वीडियो बनाएं, क्योंकि जब हम विवेक बिंद्रा की वीडियो देखते हैं तो लगता है कि हम मोटिवेशन वीडियो बनाएं। आज वापस आया हूं आपके जीवन में एनर्जी भरने के लिए। कम और क्या करने के लिए? एनर्जी भरने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी की अगर आपको जरूरत है। संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखते हैं तो लगता है कि मोटिवेट करने वाले वीडियो बनाएं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। लेकिन जब हम कभी अमित अड़ाना की वीडियो देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉमेडी वीडियो बनाना चाहिए। ओ मेरी लेडी, लाया हूं तुझको टेडी। डैडी। और जब हम किसी के टेक वीडियो देख लेते हैं, जैसे कि कोई बता रहा है कि YouTube पर वीडियो के बनाकर लाखों रुपए कैसे कमाएं, मतलब कि यूट्यूबर कैसे बने, इसके बारे में जब हम किसी के वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं। $1,433 मतलब होता है ₹1,17,000। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube पे एक वीडियो वायरल होने से कितना सब्सक्राइबर मिलता है और कितना पैसा मिलता है, ये देख सकते। और जब हम टेक्नोलॉजी ज्ञान या फिर टेक बर्नर की वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी अपना टेक्निकल चैनल ओपन करना चाहिए। अगर आपका पानी में गिर जाए तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज क्या नहीं करनी है, फोन को भाई डायरेक्ट धूप में या फिर हेयर ड्रायर से ड्राई मत करना। दोस्तों, असल में कौन सा चैनल ओपन करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको फाइनेंस कैटेगरी का चैनल क्यों ओपन करना चाहिए, हम वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई वर्क है, आपको फाइनेंस की नॉलेज है और आप पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं, अपना नॉलेज आप पब्लिक को बताना चाहते हैं। तो इसके लिए जरिया है कि आप YouTube पर वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, पब्लिक की हेल्प होगी, पब्लिक को अवेयरनेस मिलेगी और आपकी अर्निंग होगी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप ऑलराउंडर हैं, आपका माइंड थोड़ा सा तेज है और आपको ऐसा लगता है कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको फाइनेंस क्रिएटर ही बनना चाहिए। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अर्निंग बाकी के जो कैटेगरी हैं तो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ अपने ही वीडियोज की अर्निंग दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देखिए कि मैंने एक वीडियो बनाया है सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से, तो इस पर 16,000 व्यूज आए हुए हैं और 1,000 पर $0.62 बन रहा है। अब आप हमारा एक दूसरा वीडियो देखिए, तो इसमें मैंने एक एप्लीकेशन का रिव्यू किया है, एप्लीकेशन का नाम था एम स्टॉक, तो इस पर 20,000 व्यूज आए हैं, 20,000 व्यूज का $58 मुझे मिला है और इस पर 1,000 व्यूज पर कहीं ना कहीं $2.85 बन रहा है, मोटा मोटा 2.5 मान सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन का रिव्यू और किया है, उसका नाम चॉइस ब्रोकिंग है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मात्र 6,000 व्यूज आए हैं, इसका मुझे लगभग $28 मिला है। और मेरा एक चैनल और है मान सिंह की शॉप के नाम से, तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि माजा कितने की आती है और इसको बेचने पर कितने रुपए का फ़ायदा है, तो इस पर भी 48,000 व्यूज आए हैं जिसका मुझे लगभग $14 मिला है और 1,000 व्यूज पर $0.29 बन रहा है। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी है और इसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि अगर एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे, मैंने एम स्टॉक और चॉइस ब्रोकिंग का किया हुआ है, तो इस पर जो ऐड चले हैं तो बाकी के एप्लीकेशन के ही चले होंगे, तो वो एप्लीकेशन ऐड चलाने का कहीं ना कहीं ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो इसीलिए जो मेरी अर्निंग है वो भी ज़्यादा हुई है। और सुकन्या समृद्धि योजना ये किसी भी व्यक्ति ने देखा होगा तो उसके यहाँ पर जो ऐड है तो वो कोई ऐसा ही चल गया होगा, हो सकता है कि रमी गेम का चल गया हो या फिर ज़्यादातर जो पब्लिक देखती है उसके यहाँ पर वही चल गया होगा, लेकिन एप्लीकेशन का रिव्यू वही व्यक्ति देखते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले भी कोई फाइनेंस का वीडियो देखा हुआ है, इसके बाद अब वो एप्लीकेशन का वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गूगल के एल्गोरिथम में सेट हो जाती है कि ये जो व्यूअर है तो वो किस तरह की वीडियो देखता है, फिर उसके पास ऐड उसी तरीके से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फाइनेंस के वीडियो पर फाइनेंस का ही कोई ऐड चल जाता है तो उस पर अर्निंग ज़्यादा होती है, और फाइनेंस की वीडियो पर अगर कोई
रमी गेम या फिर ऐसा वैसा कोई ऐड चल जाता है तो उस पर अर्निंग कम होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके व्यूअर ऐसे हैं जो लगातार आपकी वीडियो को देखते हैं तो यूट्यूब ऐड भी उनको महंगे महंगे दिखाता है, मतलब कि फाइनेंस वाले ऐड दिखाता है, और जब कोई फाइनेंस का ऐड करवाता है तो वो यूट्यूब को पेमेंट ज़्यादा देता है, फिर यूट्यूब और क्रिएटर दोनों में वो पेमेंट डिवाइड हो जाता है। खैर अभी तक आपको नहीं पता है कि पैसा किस तरीके से मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे मोबाइल से इंटरनेट खर्च होता है और इंटरनेट की जो जो कंपनी है ठीक है तो वो इन क्रिएटर को पैसा देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लाइक आने से पेमेंट मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ज़्यादा पेमेंट मिलता है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो व्यूअर है वो आपकी वीडियो देख रहा है और उस पर ऐड चलेगा तो वो ऐड जिस कंपनी ने चलवाया होगा वो यूट्यूब को पैसा देगा, फिर यूट्यूब हमें डिवाइड कर देगा। तो यूट्यूब खुद अपने पास रखता है 45% और 55% वो अपने क्रिएटर में बांट देता है। अभी आपका पेमेंट को लेकर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका रिप्लाई नहीं करूं, कमेंट का रिप्लाई 100% मिलता है अगर वो कमेंट जेन्युइन है तो। अभी मैंने आपको फाइनेंस कैटेगरी के प्रूफ दिखा के बता दिया है कि फाइनेंस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप अपना चैनल फाइनेंस कैटेगरी का स्टार्ट मत कर लेना। कुछ चीज़ें आपको और समझनी होंगी, फाइनेंस क्रिएटर बनने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो ये है कि फाइनेंस क्रिएटर को व्यूज बहुत कम मिलते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में अगर 7 लोग रहते हैं या फिर मान लीजिए 10 लोग रहते हैं तो फाइनेंस की वीडियो कितने लोग देखते होंगे। मेरी फैमिली में मोटा मोटा 8 से 10 लोग ही रहते हैं, फाइनेंस की वीडियो सिर्फ मैं ही देखता हूँ, बाकी के लोग सारे कॉमेडी की वीडियो देखते हैं, कुछ लोग मूवी देखते हैं, कुछ लोग भजन सुनते रहते हैं, इधर उधर अपना टाइम खराब करते रहते हैं। लेकिन पैसे को ग्रो करने के लिए मेरे पूरे घर में वीडियो कोई नहीं देखता, तो फाइनेंस की वीडियो देखने वाले आपके घर में कितने हैं। तो इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर बाकी के देश में फाइनेंस की वीडियो देखने वाले कितने लोग होंगे। तो ऐसा भी टाइम आएगा कि आप एक टाइम पर डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉमेडी वीडियोज हैं या फिर सॉन्ग हैं तो उन पर व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर जो डांस वगैरह है ठीक है तो उस पर भी व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग कम है, और यहाँ पर अर्निंग ज़्यादा है तो व्यूज कम है। लेकिन बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, एज ए क्रिएटर आप काफ़ी सारी जगह से पैसा कमा सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ गूगल एडसेंस के बारे में बताया है, इसके अलावा आपको ब्रांड प्रमोशन करने के लिए भी मिलते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन का प्रमोशन करने लगते हैं तो फिर कोई दूसरी कंपनी जिसका आपने प्रमोशन नहीं किया है तो वो कहेगी कि भाई आप हमारे एप्लीकेशन का भी प्रमोशन कर दो, क्योंकि आप एप्लीकेशन का ही प्रमोशन करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा एप्लीकेशन भी इस चैनल पर चल जाएगा, तो वो या तो आपको पैसा देंगे या फिर आपके जितनी भी उसकी लीड बनेंगी तो उसके हिसाब से वो आपको कमीशन देंगे। तो अगर आप एक कॉमेडी क्रिएटर हैं और आपके एवरेज भी मान लीजिए 1,00,000 आते हैं पर वीडियो, आपके 1,00,000 व्यूज आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपको ब्रांड है ना तो वो बहुत ही कम पैसा देगा, हो सकता है कि वो आपको 5,000 रुपये दे या फिर 10,000 रुपये सजेस्ट करे, इससे ज़्यादा शायद ही आपको कोई दे। लेकिन अमित वड़ाना ऐसी कोई क्रिएटर हैं ठीक है जिनकी छवि अच्छी है, इनको पैसा ज़्यादा मिल भी जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम फाइनेंस क्रिएटर की तो इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है, अगर इसकी 1,00,000 व्यूज आती हैं तो इसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, 5,00,000-6,00,000 भी मिल सकता है। और अगर कोई छोटा क्रिएटर है जिसके 10,000 व्यूज आते हैं पर वीडियो या फिर 15,000 या फिर 20,000 एवरेज भी इतना रहता है, तब भी इसको कहीं ना कहीं 50,000-60,000 या फिर 1,00,000 रुपए तक मिल जाती हैं, मतलब कि तो जो ब्रांड प्रमोशन है तो यहाँ पर भी फाइनेंस क्रिएटर बाकी के क्रिएटर को मात दे देते हैं। और तीसरा है दोस्तों कि आप अपना कोई कोर्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं, तो अगर आप एक कॉमेडियन हैं तो आप कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं कर पाएंगे, वहीं पर अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर हैं तो आप ट्रेडिंग का या फिर शेयर मार्केट का या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग से रिलेटेड आप अपना कोई कोर्स बना के उसको सेल कर सकती हैं। अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि फाइनेंस क्रिएटर बनने में ही बेनिफिट है तो हम फाइनेंस कैटेगरी का ही क्रिएटर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टॉपिक कहाँ से आएंगे, हम किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पर अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होते, बस ज़रूरत है तो टॉपिक को पहचानने की और उस पर वीडियो बनाने की। अब देखो टॉपिक भी दो तरीके के होते हैं, पहला होता है ट्रेंडिंग टॉपिक, दूसरा होता है एवरग्रीन टॉपिक, यानी कि कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जो आप आज बनाओगे और वो अब से
5 साल व 10 साल तक भी चलेंगे। जैसे कि आपने बताया कि शेयर मार्केट क्या है, आपने शेयर मार्केट के बारे में बेसिक सी चीज़ें बता दी। अब ये वीडियो आज भी देखा जाएगा, 2 साल बाद भी देखा जाएगा, 3 साल बाद भी देखा जाएगा, लेकिन अभी कोई मार्केट में न्यूज आई, अभी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने वीडियो बना दिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके क्या क्या रीज़न है, और मार्केट डाउन आ भी सकता है, इसके क्या क्या रीज़न है। तो अभी मार्केट ऊपर गया है ना, तो ये वीडियो आपका आज देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, हो सकता है 5 दिन तक देखा जाए, लेकिन 6वें, 7वें या फिर 8वें दिन तक इसकी जो रीच है तो वो बहुत कम हो जाएगी। ये जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये आपके चैनल को बूस्ट दिलवाता है, और ये जो एवरग्रीन टॉपिक है वो धीरे धीरे आपके चैनल को चलाता रहता है। ठीक है, तो एवरग्रीन बनाना भी ज़रूरी है और ट्रेंडिंग टॉपिक भी बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या बनाएं, तो सबसे पहले दोस्तों आपका चैनल एकदम न्यू है, अगर आप एवरग्रीन टॉपिक बना देंगे तो आपका हो सकता है वीडियो YouTube किसी को सजेस्ट ही ना करे, क्योंकि पहले से ही जो क्रिएटर हैं उनके वीडियो पर अच्छी रिटेंशन है व्यूअर की, तो हो सकता है वो उसको सजेस्ट कर दें। तो आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है तो वो सर्च करती है, तो सर्च में अगर आपका चैनल चला जाएगा और आपके चैनल पर शुरुआत में जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरुआत में ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ें, और साथ ही साथ आप एवरग्रीन वीडियो ही बनाते रहें, जैसे कि सेविंग किस तरीके से करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या है, ठीक है, और अच्छी बैंक कौन सी हैं जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं, FD पर ज़्यादा इंटरेस्ट कौन देता है, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक निकल के आएंगे जिन पर आप वीडियो बना सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और निकल के आता है कि मैंने वीडियो बना लिया, अब मैं वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ, तो YouTube पर ऑप्शन ही नहीं है कि आप वहाँ पर फाइनेंस कैटेगरी को सिलेक्ट करो। तो ये मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि फाइनेंस क्रिएटर कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करे, तो यहाँ पर मेरा जवाब रहेगा कि दोस्तों आपके पास फिर दो ही ऑप्शन है, या तो आप एजुकेशन को सिलेक्ट करिए, क्योंकि आप एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, आप समझा रहे हैं, अवेयरनेस के से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं, तो या तो आप एजुकेशन को सिलेक्ट करो, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको एजुकेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो दूसरा ऑप्शन है ना वो है हाउ टू, आपको हाउ टू सिलेक्ट करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एजुकेशन कैटेगरी में पैसा हाउ टू की तुलना में थोड़ा कम है, और आप यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो उसका जो टाइटल है तो वो कहीं ना कहीं हाउ टू या फिर व्हाट से शुरू होगा, जैसे कि व्हाट इज शेयर मार्केट, ठीक है, या फिर हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ये कुछ डाउट थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो अगर आप फाइनेंस क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में ये चीज़ें मैंने और अच्छे तरीके से डिस्कस करी हुई हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।